उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां जंगल की आग से झुलसकर दो युवकों की मौत हो गई। बताया गया है कि दोनों युवक दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से अपने गांव आए थे। इस दुखद खबर से जहां मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं उनके गाँव में भी शोक की लहर दौड़ गई है। यह दुखद घटना जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पैतृक गाँव की बताई जा रही है, वहीं मृतकों में से एक युवक सतपाल महाराज का परिचित बताया जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कंडुली गांव निवासी 28 वर्षीय कुलदीप नौटियाल और सोडिया खाल निवासी 23 वर्षीय विकास रावत दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे। बताया गया है कि दोनों युवक अपने एक दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए कुछ दिन पूर्व ही अपने गांव आए थे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शादी समारोह 13 और 14 अप्रैल को होना था। बताया जा रहा है कि दोपहर में विकास और कुलदीप गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर गधेरे में नहाने के लिए गए थे। शाम के वक्त नहाकर वापस लौटने के दौरान उन्होंने जंगल में आग लगी देखी। ग्राम प्रधान सुमन देवी ने बताया कि जंगल में आग लगी देख दोनों ग्रामीणों के साथ उसे बुझाने में जुट गए। इस दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों युवक आग की चपेट में आ गए। आग में झुलस जाने से जहां कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं विकास गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोग आनन फानन में उसे पोखड़ा अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक विकास सतपाल महाराज का परिचित था। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।